हेलो गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पटवारी फिटनेस। मेरा नाम है रीटा और आज की वीडियो होने वाली है, वैसे टाइटल तो मैंने आप पढ़ चुके होंगे, आज की वीडियो होने वाली है इनर थाई के फैट के ऊपर। लेके इनर थाई यहाँ पे होता है कि बाहर से टांगे ठीक है, लेकिन ये जो ये वाला एरिया है वो बहुत ज़्यादा लूज स्किन होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा फैट है, उसके लिए होने वाली है। चाहिए वो, अब ये वाला फैट चाहिए लड़कों को हो या लड़कियों को हो, कोई भी इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब बहुत लोगों का आता है क्या इसके लिए हमें जिम जाना पड़ेगा, तो नहीं, आप घर के कम्फर्ट में कर सकते हो, लेकिन मज़ा आएगा अगर आप बोलते हैं ना साथ में 1-2 किलो अगर पानी की बॉटल हो या एक कैटल बेल हो या एक डंबल हो, जो आपके पास हो, ज़रूरी नहीं है कुछ भी ना हो, तो शुरुआत बिना किसी वेट के कर सकते हो। इन एक्सरसाइजेज को मैंने आपको बतानी है बड़ी सिंपल सी 5 एक्सरसाइजेज। इन 5 एक्सरसाइजेज के 5 सेट करने हैं, रेपिटेशन अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। क्या मैंने हो सकता है 30 बोले हों, आपसे 15 ही हो, चलेगा, लेकिन सेट आपने 5 करने हैं, 5 एक्सरसाइजेज 5 सेट। हार्डली ये वर्कआउट आपका हो जाएगा ख़त्म 35 या 40 मिनट में एंड यू आर गुड टू गो। आपको शुरू के हफ्ता ना मस्त पेन होने वाली है, पर जो पेन होगी वही रिजल्ट लेके आएगी। अब ये एक्सरसाइजेस के साथ आप मेक श्योर करना, आपको नई डाइट करनी है मत डाइट करो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि आप कैलोरी डेफिसिट में खाएं, नंबर 1, एंड नंबर 2 आप जंक ऑयली ये दोनों चीज़ें अवॉइड करें, राइट? क्योंकि चाहे वो बॉडी फैट आपने यहाँ से घटाना हो, यहाँ से घटाना हो, चेस्ट से घटाना हो, बैक से, हिप से, लेग से या इनर थाइस से, डेफिसिट इज इंपॉर्टेंट, राइट? अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं इन एक्सरसाइजेस को। तो जो बेसिक और सबसे पहले है, अब देखो इनर थाई की बात आई, लेग्स की आई, तो स्क्वाट हम कैसे छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते ना। तो जो पहली एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट पल्सेस, सामने से और साइड से दोनों से दिखाऊंगी। अपनी लेग्स को वाइड ओपन कर लेना है, राइट? अपनी लेग्स को वाइड ओपन कर लेना है। एक होता है शोल्डर विड्थ, जैसे मेरे जिस हिसाब से शोल्डर उस लाइन में खड़ी होगी, आपने वाइड ओपन कर लेना है इतना कि कंफर्ट बैठे आपका। अब आपने स्क्वाट करते हुए नीचे जाके इसको कहते हैं पल्स, 3 ऊपर आ गए, साइड से दिखाती हूँ, वाइड ओपन कर लिया, ये किया स्क्वाट पल्स, 1 2 3 खड़े हो गए। अब ये खड़ी हूँ मैं खाली हाथ, अगर पानी की बॉटल हो थोड़ा वेट डलेगा बॉडी पे, अगर जिम में हो वो डंबल यूज़ कर रहे हो तो 2-3 किलो का डंबल या 1-2 लीटर की पानी की बॉटल पकड़ लो हाथ में, 1 2 3 अप, 1 2 3 अप। अब सामने से देखिए, मैं आपको टारगेटेड एरिया बताती हूँ, 1 2 3 अप। जब नीचे जाओगे यहाँ पे फुल स्ट्रेच होता है ये एरिया और ये एरिया, ऊपर आए तो आपको एक मतलब रिलैक्सेशन फील होती है, 1 2 3 अप। ये करने हैं हमको 30, मैंने जैसे पहले कहा था 30 ना हो, अगर आप 20 भी करते हो, 15 भी करते हो चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं करना फटाफट ऊपर आ गए, बहुत ही पेशेंसली करना है, ठीक है? पेशेंस रखने हैं, धीरे धीरे नीचे गए, 1 2 3 अप, ताकि ये एरिया पे आपको पता लगे कि आप कुछ कर रहे हो, राइट? ये होगी पहली एक्सरसाइज। अब करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज, एंड या मैं खुद सबको बोलती हूँ, आज खुद ही बताना भूल गई, पहले वार्म अप जरूर कर लेना, वार्म अप मैं लास्ट में बता दूंगी फनी है बट लास्ट में बता दूंगी, मैं खुद बताना भूल गई इस बार। जो सेकेंड एक्सरसाइज है दैट इज स्क्वाट एंड फ्लो टच, लाइक जंप एंड फ्लो टच, आई विल से, सामने और साइड दोनों से दिखाऊंगी, जंप किया और नीचे टच किया। अब आप देखो इस एरिया पे कितना स्ट्रेच आ रहा है, फिर वापस जंप, नीचे टच, वापस उसी पोजीशन में, फ्लो टच उसी पोजीशन में। अब साइड से करके दिखाती हूँ, दोनों पैर बिल्कुल साथ में, जंप किया और नीचे फ्लो टच। अब कुछ लोग ना इजी के चक्कर में इसको गलत करते हैं, पता कैसे, पैर रखेंगे ऐसे और ऐसे करेंगे, तो ये आपका इस एरिया पे रिजल्ट आएगा, इनर थाई पे नहीं, इनर थाई पे चाहिए। तो आपने ऐसे दोनों पैर बिल्कुल साथ में जंप किया स्क्वाट की तरह नीचे जाते हुए, ताकि इस एरिया पे स्ट्रेच पड़े, 1 2। ये है हमारी दूसरी एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज भी हमने करनी है 30, इसके रेपिटेशंस करने हैं, 30 ना हो 20-20 पकड़ लो, 15-15 पकड़ लो, लेकिन हर एक्सरसाइज करना अनिवार्य है तभी रिजल्ट मिलेगा। हर एक एक्सरसाइज बहुत सोच के रखी है मैंने। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मेरे शू थोड़े उसके कंफर्ट के नहीं है, तो कहीं दीवार पकड़ ली, चेयर पकड़ ली। अब करेंगे हम दिस इज आवर थर्ड एक्सरसाइज, पैर दूर रखा, राइट, सॉरी, 1 2 3 4। जैसे मैंने कहा कि किसी चीज़ को पकड़ ले ताकि आपका बैलेंस बने, धीरे धीरे करते रहोगे तो आपका बैलेंस अच्छा हो जाएगा। एक बार फिर दिखाती हूँ, एक पैर यहाँ पे,
पीछे की तरफ को सोच लो आप सिंगल लेग स्क्वाट कर रहे हो और एक लेग दूर ले जाते हुए, इस एरिया पे प्रेशर आ रहा है वन, इस एरिया पे प्रेशर आ रहा है टू, इसके भी 30 रेपिटेशन विच मीन्स 15 इस साइड 15 इस साइड, 30 नहीं होंगे तो 10 कर लेना, लेकिन चाहे 20, शुरुआत में 20 ही होंगे आपसे, ट्रस्ट मी ये जितनी ईजी है उतना ही मुश्किल है जब आप करते रहोगे धीरे 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 धीरे, क्योंकि रिजल्ट पाना इतना आसान नहीं होता। ये सी गाइस, अब बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, दैट इज सुमो स्क्वाट्स। इसके लिए आई रियली इंसिस्ट कि आप लोग अपने पास कोई चीज़ रखें। अब जैसे मैंने ये 2 किलो का डंबल उठा लिया, आपके पास घर में 2 लीटर की पानी की बॉटल होगी, इसको लेग्स को कर दिया वाइड ओपन, अगेन ये होता है शोल्डर विड्थ और होता है जितने में आप कंफर्टेबल हो, ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर करके गिर गए, वाइड ओपन कर लिया डंबल को या पानी की बॉटल को, ऐसे बीच में से आपने होल्ड कर लिया, आप ऐसे नीचे गए, फिर पूरा ऊपर नहीं आना है, 1, 2, 3 हाफ मूवमेंट, 4 साइड से देखिए आपको समझ में आएगा करवा क्या रही हूँ। लेग्स को वाइड ओपन, पीछे की तरफ को जैसे स्क्वाट करते हैं, आपके जो हिप्स का आपकी बॉडी वेट है वो पीछे की तरफ जाना चाहिए, नीचे की अपने हाथ में बॉटल पकड़ ली, 1, 2, 3, 4, 5 राइट, इसमें पूरा ऊपर नहीं आना, नीचे ही करना है, जब नीचे ही करोगे तो सिर्फ ये एरिया टारगेट होगा, ये वाला एरिया। ये थी हमारी 4th एक्सरसाइज, 30 ये भी करना अनिवार्य है, हर ये एक्सरसाइज यहाँ पे ग्लूट्स पे इस एरिया पे टारगेट कर रही है। मैंने आपको कहीं उछलवाया नहीं, क्योंकि लोगों को होता है हर इंसान अगर बॉडी वेट ज़्यादा तो वो उछल नहीं सकता, इसके कारण काफ़ी एक्सरसाइज बंदे नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहने वाली है अगर आप उछल नहीं सकते। अब 5वें एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, दीवार के पास चल जाइए, दीवार पकड़ लीजिए, एक पैर यहाँ रखा, एक पैर बिल्कुल सीधा और एक साइड में, 1, 2, 3 आसान लग रही है पर जब इसके 30 रेपिटेशन ईच लेग करोगे तो बहुत टफ लगेगी, 4 बिल्कुल सीधे ले जाते हो दूर, 5, 6 एंड सेम हमने दूसरी लेग के साथ करना है, अगेन कोई चीज़ पकड़ ली, एक लेग बिल्कुल सीधी और एक साइड में, फिर दूर को ले जाना है, लाइक फोड़ सकती है ना इस एरिया से तो आपको पता लगेगा, 2, 3, 4, 5, 6 जब आप करोगे आपको ये एरिया अपना ऐसा लगेगा जैसे बर्निंग सेंसेशन हो रही है, जल रहा है। ये 5 एक्सरसाइजेस वेरी सिंपल, बोलते हैं ना बहुत सिंपल कोई भी कर सकता है, तो ये आपने करनी है 30-30 रेपिटेशन और 5 सेट इन एक्सरसाइजेस के। अब वार्म अप आते हैं वो मत भूलना, नहीं तो बाद में बोलोगे घुटनों में दर्द हो गया रीटा मैम इतने स्क्वाट्स नहीं हो रहे हैं, तो करते हैं वार्म अप शुरू जो मुझे पहले करवाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट। सबसे पहले जो वार्म अप करना है अपना 4-5 स्क्वाट्स कर लिए उसके बाद लंजेस कर लिए, 2 वार्म अप हो रही है, 3, 4, 5 5-10 स्क्वाट्स कर लिए, 5-10 लंजेस कर लिए, उसके बाद एक बिल्कुल दीवार के पास खड़े हो जाना क्योंकि एक टंग पे बैलेंस नहीं होता है, और सर्कल्स बनाने लग के 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 और दूसरी लेग के भी 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 तो थी ये उसके बाद की। अब बिल्कुल स्विंग हवा में, जैसे सोच कहते हैं ना कि बाजू ऐसे हवा में लहरा रही है, वैसी ही बिल्कुल लूज छोड़ देना अपनी लेग को, कोई दीवार या बेंच वेंच पकड़ लीजिए और ये स्ट्रेच करना है, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30 और दूसरी साइड भी वैसी 1, 5, 15, 20, 25, 30 अब लास्ट स्ट्रेचिंग है जो नॉर्मल किसी बेंच को, अगेन सर्कल्स आपकी लेग्स खुल रही हैं ऐसे, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10 अब इसके बाद फिर भी कई लोगों को ज़्यादा पेन होता है, वो ऐसे बैठ जाना किसी बेंच पे और देख यहाँ पे ये घुटनों की स्ट्रेचिंग के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, एड़ियाँ ज़मीन पे जो आपके पंजे हैं वो हवा में होनी चाहिए, अब अपनी पंजों को ज़मीन से टच करना है, 2, 3, 4 बेंच पे बैठना है, एड़ियाँ ज़मीन से लगी रहनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए, बस पंजों को ऊपर नीचे करना है, ये बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है घुटनों की, 10, 20, 30, 40, 50, 60
ये आपका वार्म अप था और इसके बाद ये जो मैंने एक्सरसाइजेस बताई, यू आर गुड टू गो। रिजल्ट्स कितने टाइम में मिलेंगे, हर पर्सन की बॉडी अलग है। अगर मेरे इनर थाई फैट होता, मैं ये एक्सरसाइजेस करती, तो मुझे इतना पता है कि मैं 21-22 दिन में, हार्डली एक महीने में, अपना काम जो मुझे आइडल चाहिए होता है मैं उस हिसाब से डाइट भी कर लेती, क्योंकि आपकी बॉडी मेरी जैसी नहीं होगी, आपकी डिफरेंट होगी, मेटाबॉलिज्म अलग होगा। तो बस याद रखना कि कैलोरी डेफिसिट में खाना, ऑयली फूड अवॉइड करना एंड एक्सरसाइजेस करना, आपका इनर थाई फैट जो है चला जाएगा, टोन अप हो जाएगा। बेसिकली यहाँ से जो लूज स्किन थी वो टाइट हो जाएगी। मेरी अभी फिट है, इनडायरेक्टली मेरे यहाँ पे मसल बना हुआ है, तो ये लूज ऐसे लटकती नहीं है। मैंने ऐसे किया तो ये टाइट है, मैंने लेग्स ऐसे रखी तो ये टाइट है, क्योंकि मैंने इस मसल को डेवलप किया एक्सरसाइज करके। वैसे ही अगर आप डेवलप कर लोगे तो यहाँ से जो सैगी फैट है वो चला जाएगा। थी ना सिंपल सी एक्सरसाइजेस, ट्राई करना और मुझे बताना जब भी आपको रिजल्ट मिलेगा कि कैसी लगी, कैसे आपको रिजल्ट मिले। अगर आप में से कोई है जो मेरे से पर्सनल वीडियो कॉल ट्रेनिंग लेना चाहता है, ऑफकोर्स पेड है, या ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, एंड अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी भी मिल जाया करेगी, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। कमेंट्स में बताना अगर किसी और वीडियो पे कोई आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मच लव टू यू ऑल गाइज।